दोस्तों कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम का अगला मुकाबला ना अभी थोड़ा लेट है और यार आपको वेट करना ही पड़ेगा। वेट करते करते बहुत ज़्यादा टाइम निकल जाता है, बट इनफैक्ट टीम बहुत अच्छा कर रही है, तो लेट हो या फिर जल्दी हो मुकाबलों में मज़ा आता है, बट मज़ा नहीं आ रहा है मिचेल स्टार्क की परफॉर्मेंस में। जी हाँ दोस्तों, पर्पल कैप की रेस में चलते चलते कब ऑरेंज कैप की रेस में मिचेल स्टार्क पहुँच गए शायद उनको भी पता नहीं चला। और बात करें ना तो पिछली जो लास्ट दो डिलीवरी थी ना यहाँ पर RCB के अगेंस्ट, पता नहीं वो कैसे वर्ल्ड कप वाली डिलीवरीज गिर गई। बट अगर बात करें तो अब इनका मुकाबला पंजाब किंग्स के अगेंस्ट है घर पर ही है ईडन गार्डन पर। और अब यहाँ पर ऐसी बात मानी जा रही है कि मिचेल स्टार्क एक तो इंजरी के चलते, यानी उनको जो फिंगर इंजरी होती सीरियस नहीं है, बट आपको पता है ना मैनेजमेंट को तो बहाना चाहिए होता है और ये बहाना तो यार वैलिड है, 25 करोड़ का बहाना है ये। तो मिचेल स्टार्क बाहर जाने वाले हैं, बट अब सबसे बड़ा सवाल आ जाता है गौतम गंभीर और KKR मैनेजमेंट के पास कि प्लेइंग 11 में किसको खिलाया जाए, क्योंकि अब सबसे बड़ा रीजन ये है लेफ्टी को क्या लेफ्टी रिप्लेस करना चाहिए या ओवरसीज को ओवरसीज रिप्लेस करना चाहिए, क्योंकि अभी टीम KKR के पास ना तीन कॉम्बिनेशन यानी तीन प्लेयर हैं। एक प्लेयर के हटते ही अगर मिचेल स्टार्क प्लेइंग 11 से बाहर जाते हैं तो कौन आ जाएगा प्लेइंग 11 में। दरअसल दोस्तों बात ऐसी है, अगर लेफ्टी मिचेल स्टार्क को बाहर निकाला जाए तो यहां पर आप चेतन सकारिया को ट्राई कर सकते हो या वैभव अरोड़ा को इंपैक्ट लाने की जरूरत नहीं है, वो बहुत अच्छा कर रहे हैं। ऐसे में टीम KKR तीन ओवरसीज के साथ खेले और वैभव अरोड़ा अगर बॉलिंग करते हैं, पहले बॉलिंग आती तो पहले बॉलिंग करा लो और उनको शरफेन रदरफोर्ड से एक्सचेंज कर लो, तो ऐसे के अंदर टोटल 4 ही ओवरसीज हो जाएंगे और टीम KKR के पास एक और पावर हिटर हो जाएंगे शरफेन रदरफोर्ड, वो काफी ज्यादा यहां पर धमाकेदार हो जाएगा। और अगर शरफेन रदरफोर्ड नहीं करना चाहते हो, चेतन सकारिया भी एक ऑप्शन है, उनको ले लो। चेतन सकारिया को ऑप्शन नहीं करना चाहते हो तो ओवरसीज को ओवरसीज से चेंज कर लो, मिचेल स्टार्क को चमीरा से एक्सचेंज कर लो। कुल मिलाकर यहां पर बहुत सारे एक्सचेंजेस हैं, बहुत सारे यहां पर आपके लिए सिनेरियो बन रहे हैं, बहुत सारी पॉसिबिलिटीज हैं। तो आप कमेंट करके जरूर बताओ मिचेल स्टार्क के बाहर जाने पर क्या चेतन सकारिया और रदरफोर्ड को इंपैक्ट करके अंदर लाना चाहिए या फिर दुश्मांतु चमीरा को सीधा सीधा उनसे एक्सचेंज कर लेना चाहिए।